हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्क्वायर निकालने के शॉर्टकट ट्रिक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये ट्रिक काम कैसे करती है, जैसे एग्जांपल में 3 का स्क्वायर 33 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 99 का स्क्वायर ओके 3 टाइम्स 3 का स्क्वायर 3 टाइम्स 9 का स्क्वायर, इसको हम इस टाइप को क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे 1 सेकेंड में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, तो ही आपको ये ट्रिक समझ में आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, तो हम यहाँ पे 9 लिख देंगे ओके। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 लिख दिए। अब क्या करना है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 होता है, पर हमको क्या करना है, 2 डिजिट में लिखना है ओके। 3 का स्क्वायर 9 होता है, हमको 2 डिजिट में लिखना है, तो हम यहाँ पे 0 9 लिख दिए। बीच में गैप क्यों छोड़े, बीच में भी और भी डिजिट लिखना है। तो सबसे पहले क्या करना है, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, पर हमको 2 डिजिट में लिखना है, तो हम 0 9 लिख दिया ओके। अब अगला स्टेप क्या है, यहाँ पे अगला स्टेप ये है कि 3 के बाद ये डबल 3 है, 1 3 बचा, तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 प्लेस छोड़ दिए ओके। इस प्लेस पे कोई सा नंबर होगा, तो सबसे पहले इस प्लेस पे कौन सा नंबर होगा, 9 9 के पहले, 9 के पहले क्या आता है, 8 आता है, 8 लिख दिए। और 1 यहाँ पे कम करना है ठीक है, यहाँ पे नंबर यहाँ पे 1 माइनस करना है और यहाँ पे 1 ऐड करना है, तो 9 में 1 माइनस करें तो 8 होगा, 0 में 1 ऐड करना है, यानी 1 कम अंक लिखना है यहाँ पे, 1 कम अंक नंबर लिखना है यहाँ पे, 1 ज़्यादा लिखना है, तो 9 में 1 माइनस किया तो 8 हो गया, 0 में हम प्लस 1 करेंगे, तो 0 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है, 1 आता है ओके। ये हमारा हो गया आंसर 33 का स्क्वायर 1089। अब जैसे इसको हम देखेंगे, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 डिजिट में लिखेंगे, तो हम 0 यहाँ पे 9 लिख दिए, यहाँ पे हम 0 लिख दिए ओके। अब क्या करना है, 2 3 है, 2 3 बचा, तो हम 2 3 के लिए स्पेस यहाँ पे ऐसे करेंगे, 1 2 1 2 ओके। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या मैंने बोला था, 1 यहाँ पे कम करना है, तो 9 में से 1 कम करेंगे तो 8, 2 टाइम्स 8 लिखेंगे, और 0 में 0 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है, 1 आता है, 2 बार हम 1 लिख दिए, हो गया हमारा आंसर 3333 का स्क्वायर 11089, ये हमारा आंसर हो गया। अब जैसे मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मैं 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, हमको यहाँ पे हम 0 9 लिख देंगे ओके। अब यहाँ कितनी संख्या 3 के बची, 1 2 3, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 स्पेस बनाएंगे, 1 2 3 1 2 3 दोनों साइड इक्वल। अब क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 लिख दिए, अब क्या करेंगे, 9 में 1 माइनस करेंगे, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम 9 में 1 माइनस करेंगे, तो क्या करेंगे, 8 लिखेंगे, 3 जन 3 ओके। अब 0 में प्लस 1 करेंगे, तो 0 में प्लस 1 किए तो क्या करेंगे, 1, 0 के बाद 1 ही आता है, तो 1 1 1 लिख दिए, हो गया हमारा आंसर। अब इसको देखना है ठीक है, 5 टाइम्स 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, हम यहाँ पे 0 9 0 9 लिख देंगे ओके। अब क्या करना है, यहाँ पे कितनी टाइम्स 3 है, 1 2 3 4 4 टाइम्स 3 बचा है, तो यहाँ पे हम 4 स्पेस बनाएंगे, 1 2 3 4 4 ब्लैंक 1 2 3 4 ओके। अब क्या करना है, इसमें से 1 माइनस करेंगे, क्या करेंगे, 9 में से 1 माइनस किए तो 8 8 8 8, अब 0 में 0 पर नेक्स्ट में क्या था, 1 1 1 1 हो गया हमारा आंसर। अब जैसे मैं इसको देखना है 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 81 लिख दिया ओके। अब यहाँ पे 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है, तो हम यहाँ पे 8 लिख दिए, बीच में गैप छोड़ के 1 लिख दिया ओके। अब क्या करना है, 9 की संख्या कितनी बची है 1, तो हम यहाँ पे 1 स्पेस इधर इधर ओके ऐसे बना देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, स्पेस की जगह पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे जस्ट इसका रिवर्स ओके। हम 9 के पहले 1 माइनस करते थे, 0 में 0 प्लस 1 ऐड करते थे, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इधर क्या करना है, इधर माइनस करना है, इसको इसमें प्लस करना है, सेम टू सेम जैसे 33 का स्क्वायर निकालते थे, इसमें भी सेम यही करना है। तो 0 1 से पहले क्या आता है 0 आता है, हम 0 यहाँ पे लिख देंगे। 8 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है, 9 आता है, हम 9 यहाँ पे लिख देंगे, 99 9 8 0 1, 99 का स्क्वायर क्या होगा 9 8 0 1 9 8 0 1, ये इसका स्क्वायर हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 9 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है, 81 लिख दिया। अब क्या करना है, 2 9 बचा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 9 के लिए स्पेस बनाएंगे, 1 2 1 2 ओके। अब क्या करना है, यहाँ पे 1 में 1 के पीछे कौन सा नंबर आता है, 0 आता है, हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब 8 के बाद क्या आता है, नेक्स्ट नंबर 9 आता है, हम यहाँ पे लिख देंगे 99, यानी 9 9 8 00 1, ये हमारा
999 का स्क्वायर हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे 9 का स्क्वायर 81 लिख देंगे, बीच में हम गैप छोड़ देंगे, 3 1 2 3 3 यहाँ पे डैश बनाएंगे, यहाँ पे भी 3 डैश बनाएंगे। ओके, अब क्या करेंगे, 1 में 1 के पीछे क्या आता है, 0 आता है, हम 3 बार 0 लिख देंगे। अब 9 में प्लस 1 ऐड करेंगे, 9 के बाद 8 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है, 9 आता है, 9 1 9 हम 3 बार लिख देंगे, हो गया हमारा आंसर। ओके, अब इसका आंसर ये वाला क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए, और ये ट्रिक आपको कैसी लगी ये भी हमें ज़रूर बताइए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली अपडेट मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।